और गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन हो रही है। ब्रेकफास्ट की प्रेपरेशन हो रही है भाई। भाई ने कल बनाया था नॉनवेज, तो आज बना रहे हैं ऑमलेट। ऑमलेट। तो क्या हाल चाल है जी सभी के? तो एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। होप कि सब बढ़िया से होंगे, अच्छे से होंगे। भाई जस्ट मैंने अभी ब्रश किया और ब्रेकफास्ट अपना रेडी है। टेबल पर चलते हैं और करते हैं वहाँ चल के बातचीत, डिस्कस करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है और कहाँ जाना। तो भाई बहुत ही अच्छे तरीके से बना हुआ ऑमलेट इतनी मस्त जगह पे, वो भी इतने ठंडे वेदर में गर्मा गर्म खाना खाने को मिल रहा, तो और क्या चाहिए भाई। ये केचप भाई मेरी बहुत फेवरेट है, स्वीट एंड स्पाइसी। तो कल शाम को मैंने अपना कैमरा जो था रीसेट कर लिया था, और सोनी को सेट करना ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रोफेशनल लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। डीओपी फ्रॉम दिल्ली, वर्किंग फ्रॉम होम। और कब आ रहा भाई? देखो भाई आते हैं। अभी हमारा एक बहुत एक और खास दोस्त हमारे बिल्कुल पास है। हाँ, ये बातें बहुत अनलिमिटेड चलने वाली हैं। अभी हम कैमरा की सेटिंग करा रहे थे, तो भाई कैमरा की सेटिंग कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलेंगे बाहर। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। तो भाई कैमरा की सेटिंग्स भी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बिल्लो को वॉश करने। अभी टेम्परेरी नाम मैंने उसको यही दिया, क्योंकि इतनी दूर हम सफ़र करके आए और गाड़ी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा रफ हो गई है, तो गाड़ी को क्लीन करते हैं और उसके बाद आज के एक्सप्लोरेशन पर निकलते हैं। तो पाइप वगैरह यहाँ पर आ चुकी है और गाड़ी की कंडीशन ऐसी है। अलॉय व्हील्स का देखो भाई, तो साफ़ करने में लग रहा है एक घंटे से ऊपर जाने वाला। एक मज़े की बात यह है, जब मैं दिल्ली गया था तो जो मेरे किलोमीटर्स थे कंप्लीट वो हो गए थे 5,800 जब मैं दिल्ली पहुंचा था, और अभी मेरी गाड़ी के लगभग 7,000 कंप्लीट हुए हैं। तो डिफरेंस देख रहे हो कि मैं पहुंचा, थोड़ा बहुत दिल्ली में घूमा और फिर कश्मीर वापस लौटा। एक गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं, आगे करते हैं और इसकी वॉशिंग कम्प्लीट करते हैं। तो भाई कैसा लगा अपनी बिल्लो का साउंड? आप सभी लोगों को अभी बस स्टार्ट करिए, तो एक बार रेव बॉम्ब्स भी आपको सुनाएंगे। इसके बॉम्ब तो नहीं कहेंगे, बट हाँ एक जो थोड़ा क्रिस्प थोड़ा क्रैकलिंग जो उसका साउंड है ना हाईवे पे, वो पता लगता है। और माउंटेन्स पे जब हम डाउन शिफ्ट करते हैं, तो एक बार एक दो मिनट ये स्टार्ट रहे, उसके बाद गैस पे पैर रख के दिखाएंगे भाई कैसा साउंड आता है इसका। और भाई ये है अपना क्लॉथ माइक्रोफाइबर, इससे गाड़ी यूँ साफ़ होती है और यूँ चमक जाती है। तो भाई काफी देर हो चुकी है गाड़ी को स्टार्ट हुए, तो एक बार एग्जॉस्ट नोट सुनो इसका। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको हमारी जो कार है उसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा। तो आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखो, तब तक हम फटाफट गाड़ी अपनी वॉश कर लेते हैं और चलते हैं आज की डेस्टिनेशन पे। तो हमारे यहाँ पे हमारे दो बहुत खास मित्र आ चुके हैं, भाई ये थे शायद भाई वो अरहान भाई। तब तक हम गाड़ी को पूरे इसके शोरूम लुक में लाते हैं और उसके बाद हम करेंगे अपना रोड ट्रिप स्टार्ट। भाई गाड़ी साफ करना भी ना एक इमोशन है, जो हमारी सवारी है शाही सवारी, उसको हम सब ने मिल के साफ कर दिया, बस इस पर शैम्पू मारने की वेट है, उसके बाद हम थोड़ा पानी डालेंगे और गाड़ी हमारी चमक जाएगी। तो भाई गाड़ी क्लीन हो चुकी है, सारे भाइयों ने मेहनत करी है मिल के, यहाँ मलिक भाई भी आ चुके हैं, उमर भाई की वेट करनी है क्योंकि उमर भाई कहीं आई आसपास किसी काम से गए हैं ज़रूरी, और उसके बाद हम चलेंगे लोकेशन पे, ट्रैवल लोकेशन पे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:15, हम सब यानी कि शाहिद भाई, अरहान भाई और मलिक भाई जा रहे हैं ड्राइव पे। लोकेशन ऑलरेडी सेट है। हाँ, लोकेशन की हम रैकी बहुत पहले कर चुके थे, प्लान हमारा सेट है, तो अभी हम चल रहे हैं। तो भाई वहाँ पे हमने लगा दिया क्या कहते हैं एयर फ्रेशनर, जो कि गाड़ी को पूरा फ्रेश रखेगा। पहले गाड़ी में ना एक अजीब सी स्मेल थी कीचड़ की और गंध की, जो कि अब नहीं है। चले चलो मैं आ रहा हूँ ना आपके समय, गेट बंद करूंगा। ठीक है यार, मजे। तो साथ में हमें अकंपनी कर रही है ये बाइक्स, भाई कितना मस्त लग रहा है ना, और पीछे हमारे का कार, भाई जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे बहुत अच्छा निकल के आता। माजिद मीर, हेलो सर, वालेकुम सलाम सर, सब अच्छे से? सब बढ़िया शुक्र, आप सुनाओ।
अभी ये छोटा मिनी लेह लद्दाख आ गया, वाटर क्रॉसिंग वाला मिनी लद्दाख। निकल गई। पीओवी ड्राइव मैं आपको देने वाला हूँ। गाड़ी हमारी स्टार्ट थी, अब आएगा फुल मजा। शीशे कर लेते हैं ऊपर। अरे यार गाड़ी साफ करी थी अभी। Great success! क्या फील? 21 तोपों की सलामी चाहिए। भाई क्या फील आ रही है ना, दो हिमालयन एक गाड़ी। सोचो भाई अभी इतना मजा आ रहा है तो आगे जाके कितना मजा आने वाला है। लोकेशन हमारी आ चुकी है इधर पास ही में। तो भाई फोटोशूट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ऐसी लोकेशन हो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, और चिनार का पेड़ इतना खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे दो ब्यूटीज, हिमालयन और अपनी बिल्लो। बहुत अच्छा कि हमने गाड़ी साफ़ कर ली थी, बाइक साफ़ कर ली थी, और बहुत अच्छी फोटोज़ निकल के आ रही है थैंक्स टू द टीम। चले भाई फिर आज का काम शुरू करें। तो भाई कैंपिंग लोकेशन हमने ढूंढ ली है थोड़ा इस चिनार के पेड़ के ऑपोजिट में, जो कि काफ़ी सही रहेगा। जैसी नींद पड़ेगी ना इंसान को लगेगा जन्नत। तभी तो कहते हैं जन्नत है कश्मीर, वही तो इसीलिए। और पानी इतना ठंडा कि आंखों को ठंडक पहुंचा दे। अब हमारे डीओपी बनेंगे शाहिद भाई, और हम तीनों गाड़ियां भी पहुंचाते हैं लोकेशन पे, और मिलते हैं आपको सीधा कैंप साइट की लोकेशन पे। लाइट हमारी गाड़ी है, और ये पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, और ये हमारा कैंपिंग का सामान है। हम एक एक करके निकालते हैं सारा सामान। ये हमारे स्लीपिंग बैग। चलो भाई याद है इन्होंने कितना साथ दिया हमारा। तो भाई ये हमारी कंपैटिबल चेयर्स, इसको हम यहाँ रखेंगे, और इसको भूल सकते हैं नहीं भूल सकते हैं कभी नहीं। तो भाई ये हमारा हैमक, इस पर हम पूरा आराम कर सकते हैं, और ये व्यू देख के जब हम झूला झूलेंगे और कान में एयरपोर्ट लगा के गाने सुनेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये जैकेट इनकेस अगर ज़रूरत पड़ी तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टेंट, सिर्फ एक बार खुला है हमारा, वो भी चंद्रताल लेकर जब मैं कार्तिक के साथ गया था, तो उसको रखते हैं इधर। ट्रिप में हमने इसको मिस किया था, पिछली बार मैं ला नहीं पाया था क्योंकि जगह बहुत कम थी गाड़ी के अंदर। और ये रहा हमारा चलता फिरता किचन, बाकी टाइम आने पर सारी चीज़ें भी निकालते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले टेंट लगाते हैं क्योंकि बारिश आने के आसार हैं, अगर बारिश आ गई तो फिर टेंट हमारा लग नहीं पाएगा। तो चलिए लगाते हैं टेंट। भाई टेंट के कवर हम संभाल लेंगे क्योंकि जो घूम जाते हैं ना तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। चंद्रताल वाली धूल आ रही है। अरे 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 चंद्रताल से लाई हम मिट्टी। क्या कहते हो साइड में रख अभी इधर। भाई ये पहलगाम से ली थी और पहलगाम बड़ी है। ये काम आ रहा है, कहाँ काम आ रहा है, कहाँ के ले लिया था। बारिश रोक दे भाई यार को बोलो भाई हंसना बंद कर, बारिश हो रही।